इन 7 सुपरहिट गानों से धमाल मचा चुकी है करीना कपूर खान। कभी बेबो तो कभी दिखाया छमक छल्लो अवतार। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। करीना कपूर बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक है जो कि अपने दमदार अभिनय के लिए बॉलीवुड में जानी जाती है। वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस है उतनी ही बेहतर डांसर भी है। यही वजह है कि करीना के गाने लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आप करीना कपूर की दीवानगी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शायद ही ऐसी कोई पार्टी होगी जिसमें करीना कपूर का कोई सुपरहिट गाना ना बजता हो। कभी बेबो ने छमक छल्लो बनकर ठुमके लगाए तो कभी जब वी मेट की गीत बनकर ढोल नगाड़े पर डांस किया है और वीरे दी वेडिंग की कालिंदी का तो जवाब ही नहीं। आज करीना कपूर अपना जन्मदिन मना रही है। इस खास मौके पर हम आपको करीना कपूर के करियर के सबसे फेमस और सुपरहिट गानों की सैर कराने वाले हैं, जिनको सुनकर आप खुद को थिरकने से नहीं रोक पाएंगे। पहले नंबर पर है तारीफा। फिल्म वीरे दी वेडिंग का ये गाना आने के साथ ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। वैसे तो इस गाने में करीना के साथ 3 और एक्ट्रेसेस भी है, लेकिन जो जलवा करीना कपूर ने दिखाया है वो किसी और में नहीं देखने को मिला। दूसरे नंबर पर है फेविकॉल। सलमान खान की फिल्म दबंग 2 तो रिलीज भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही करीना कपूर ने अपना जादू लोगों पर चलाना शुरू कर दिया था। भले ही गाने में करीना कपूर की जीरो फिगर देखने को ना मिली हो, लेकिन उनके लटको झटको ने सारी पब्लिक को दीवाना बना दिया। इसके साथ सलमान खान का साथ तो लाजवाब था। यही वजह थी कि ये गाना 2012 का सुपरहिट गाना था। तीसरे नंबर पर है हाई हील्स। फिल्म की एन का में करीना कपूर ने अपने से कम उम्र के एक्टर अर्जुन कपूर के साथ काम किया। फिल्म में कहीं भी करीना ने इस बात का एहसास नहीं होने दिया। वहीं इस फिल्म के गाने हाई हील्स में उन्होंने जबरदस्त डांस किया है। इस फिल्म के जरिए करीना ने साबित कर दिया था कि लड़कियां किसी भी लड़के से कम नहीं होती। चौथे नंबर पर है आज की पार्टी मेरे तरफ से। फिल्म बजरंगी भाईजान में करीना कपूर का ग्लैमरस अवतार नहीं था, फिर भी इस गाने में उन्होंने दिल्ली की एक सीधी सादी लड़की बनकर सलमान खान के साथ खूब ठुमके लगाए। करीना का ये गाना इतना फेमस हुआ कि बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया था। गाना देखकर कहना गलत नहीं होगा कि करीना ने इस गाने के जरिए अपने फैंस को पार्टी करने का मौका दे दिया। चौथे नंबर पर है मोजा ही मोजा। फिल्म जब वी मेट के इस गाने में करीना कपूर शाहिद कपूर के साथ पंजाबी तड़का लगाती नजर आई। करीना के इस गीत वाले अवतार को भला कोई कैसे भूल सकता है, क्योंकि गीत तो खुद ही अपनी फेवरेट थी। ऐसे में लोग तो उन्हें पसंद करेंगे ही। अगर बात की जाए इस गाने की तो इस गाने का म्यूजिक भी बड़ा शानदार था। यही वजह है कि फिल्म के इस गाने को लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। उसके बाद था बेबो। फिल्म कमबख्त इश्क का ये गाना बेबो के नाम पर ही बनाया गया था। इस गाने में करीना कपूर बेहद ही हॉट लुक में नजर आई। गाने में उनके और अक्षय कुमार के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन करीना कपूर का ये गाना आज भी पसंद किया जाता है। उसके बाद छमक छल्लो। शाहरुख खान की सुपर हीरो वाली फिल्म रावण में करीना कपूर नए जमाने की मम्मी के किरदार में नजर आई थी। इस फिल्म में करीना कपूर ने छमक छल्लो नाम के गाने पर आइटम नंबर किया था। इस गाने में करीना कपूर साउथ इंडियन स्टाइल में डांस करती नजर आई। इस गाने में थिरकती हुई करीना बला की खूबसूरत नजर आती है। यही वजह है कि लोगों को करीना का ये गाना भी खूब लुभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।